हेलो बच्चों, कैसे हो? पिछली जो हमने क्लास ली थी लेक्चर में, हमने कृष्णा सोबती द्वारा रचित पाठ मियां नसीरुद्दीन पढ़ा होगा आपने घर पे, और उम्मीद करती हूँ कि इसके प्रश्न उत्तर भी छांटे होंगे ऑप्शन वाले तुमने। तो आज हम इसके, सब बच्चों ने लेसन पढ़ लिया होगा, आज हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। जिस बच्चे ने पहले पाठ नहीं पढ़ा है या बाद में क्लास ज्वाइन की है, तो वो बच्चे प्रश्न उत्तरों को करने से पहले एक बार पाठ को जरूर पढ़ लेंगे, ताकि हमें पाठ में क्या है ये बात अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि प्रश्न उत्तर भी हम समझ सकें। कोई भी बच्चा सीधे प्रश्न उत्तर नहीं करेगा, हर बच्चा पहले पाठ को जरूर पढ़ेगा। तो अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं। सब बच्चों ने पाठ पढ़ा होगा कि मियाँ नसीरुद्दीन एक आदमी है जो नान बाई है, अपने पुरखों की चली आ रही दुकान चला रहा है, और लेखिका उसके दुकान पर जाती है और उसके बारे में पूरी जानकारी लेती है। उसी के बारे में यहाँ पर इस पूरे पाठ में दिया गया है। तो पहला प्रश्न क्या है? मियाँ नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नान बाई क्या होता है। नान बाई होता है नान रोटियां बनाने का कार्य करने वाला, यानी, और मसीहा इसलिए क्योंकि वो कई पीढ़ियों से ये कार्य करता आ रहा है। तो हम कहेंगे मियाँ नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मियाँ नसीरुद्दीन थे वो 3 पीढ़ी से भी ज़्यादा ये कार्य करते आ रहे थे। राजा महाराजाओं के समय से ये कार्य करते आ रहे थे, पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य करते आ रहे थे, और वो एक नहीं बल्कि 56 प्रकार के रोटियां बनाने में माहिर थे, इसलिए उसे नान बाइयों का मसीहा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? एक बार दोपहर के समय में लेखिका गडिया महल, एक जगह का नाम है, वहां से गुजर रही थी, तो उसे पटपट की आवाज सुनाई दी। ये सोचकर कि यहाँ पर कुछ सेमिया वगैरह बनाया जा रहा होगा, आटा गूंदा जा रहा है, कुछ और सोचकर गई थी, लेकिन वो जाने पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो अलग अलग प्रकार की रोटियां सेकी जा रही हैं, और पूछने पर पता चला कि यहाँ पर 56 प्रकार की रोटियां बनाई जाती हैं। इतना ही नहीं, उसने देखा कि बहुत सारे व्यक्ति अलग अलग तरह से यहाँ पर आटा भी गूंद रहे थे, जिससे कि उन्होंने बाद में रोटियां सेकनी थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास उनकी आवाज सुनकर, रोटियां बनाने की आवाज सुनकर वहां पर गई थी। तीसरा प्रश्न है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? तो हम कहेंगे कि जब लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन से ये पूछा था कि आपके दादा कौन से, जब मियाँ नसीरुद्दीन ने खूब बढ़ा चढ़ाकर अपनी बातें की कि मैं ही नहीं मेरे पिता भी, बल्कि उनके पिता भी वहाँ नान भाइयों के मसीहा रहे हैं, बादशाहों के यहाँ पर काम करते रहे हैं, तो लेखिका की भी रुचि बढ़ी और उन्होंने पूछा कि कौन से बादशाह के यहाँ पर काम कर रहे थे, बादशाह जफर या फिर कोई और, बादशाह अकबर या कोई और। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ यही, जिसका भी नाम ले उसमें ऐसे ही कहने लगे। तो लेखिका ने उनसे नाम अच्छे तरह से पूछना चाहा तो वो चिढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें नाम पता ही नहीं था और वो बात को टाल देते हैं। तो इसलिए इन बातों से ये लगा कि जैसे वो लेखिका की बातों में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं जो वो उनसे बादशाह का नाम पूछ रहे थे। अगला प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून ने छेड़ने का फैसला किया, इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। ये जो शब्द लिखे गए हैं, यह मजमून ने छेड़ने का फैसला किया, उर्दू का है। मियाँ नसीरुद्दीन मुस्लिम थे, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है कि जब लेखिका ने पूछा था, मियाँ नसीरुद्दीन लेखिका को बताने लगे कि वो ही नहीं उनके दादा भी बल्कि यही कार्य करते आ रहे हैं। तो लेखिका ने जब उनसे पूछा कि कौन से राजा महाराजाओं के यहाँ पर काम करते आए थे, तो उन्होंने जब देखा कि ये दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं और अब गुस्सा होने वाले हैं, क्रोधित से हो गए हैं बार बार उनके नाम पूछने पर, तो लेखिका ने यह सोच उस बात को टाल कर दूसरी बात पूछना ही का फैसला किया, ताकि वो उनकी बात जो और पूछना चाह रही थी वो भी न बताकर कभी उन्हें वहां से भेज ही न दे, इसलिए उन्होंने उस बात को दोबारा आगे न बढ़ाने का फैसला लिया।
पाठ में मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसा खींचा है? हम पाठ के आधार पर बताएंगे कि लेखिका ने क्या बताया है मियां नसीरुद्दीन के बारे में, कि लगभग 70 वर्ष के थे, चेहरे पर उनके उम्र की जो मार थी वो साफ दिखाई दे रही थी, भट्टी में काम कर करके उनका चेहरा पूरी तरह से पक चुका था, बात को एक बार से ज़्यादा पूछने पर वो किस प्रकार से क्रोधित हो जाते थे, अपने पुरखों के कार्य को चला रहे थे, मेहनती थे, काम चोरी नहीं करते थे, अपने दुकान पर लोगों से भी काम करवाते थे और उनको भी मजदूरी भी देते थे। तो इस प्रकार से उनका शब्द चित्र का मतलब है कि वो देखने में कैसे लगते थे। तो हम यही बताएंगे कि वो 70 साल के लगभग थे, चेहरा पूरी तरह से पक चुका था और अपने काम में पूरी तरह से मशगूल थे। अगला है पाठ के आसपास के प्रश्न उत्तर है, मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? तो जो जो भी बातें अच्छी लगी हम वो बता देंगे कि मियां नसीरुद्दीन अपने पुरखों के चले आ रहे कार्य को ही आगे बढ़ा रहे थे, जो कि आजकल बहुत कम देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ वो स्पष्टवादी थे, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते थे, अपने दादा परदादाओं की बातों को बड़ा बड़ा चढ़ाकर कहते थे और उनको बताते वक्त बड़ा ही गौरव महसूस करते थे। इसके साथ साथ वो जो उन लोगों को जो अपने दुकान पर वो कार्य कराते थे उनको समय पर पैसे देते थे और मजदूरी करके जो भी पैसा मिलता था हर रोज का हर रोज देते थे। ये सब बातें जो थी हमें बहुत ही अच्छी लगी थी। फिर अगली बात है, अगला है प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है ये प्रश्न, तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। यहाँ लेखिका ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग किया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या आप दूसरी बार तालीम शब्द की जगह पर कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? फिर से एक बार पढ़ेंगे प्रश्न को, तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है, यहाँ लेखक ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग किया है। देखो, तालीम की तालीम, पहले तालीम का मतलब है यहाँ पर शिक्षा और दूसरे तालीम का मतलब है यहाँ पर ज्ञान, यानी तो यहाँ पर जो तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है यानी जो हमने शिक्षा प्राप्त करनी है उसका ज्ञान होना भी सबसे बहुत बड़ी चीज होती है। तो लेखिका ने इसलिए यहाँ पर दो बार इन शब्दों का प्रयोग किया है, एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग किया है। यहाँ पर हम कौन सा अलंकार बताएंगे? 2 बार प्रयोग करके उनके अलग अलग अर्थ हैं, इसका मतलब है यमक अलंकार है इस पंक्ति में। ठीक है, वैसे तो कविता में अलंकार होता है लेकिन फिर भी तुम्हारे नॉलेज के लिए मैं बताऊं, यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो क्या है, एक बार तालीम, पहले तालीम शब्द का अर्थ है शिक्षा और दूसरे तालीम शब्द का अर्थ है ज्ञान, यानी शिक्षा का ज्ञान होना यानी उसका पहचान होना, उसकी जानकारी होना भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो हम यहाँ पर दूसरी बार जो तालीम शब्द आया है तो यहाँ पर हम उसकी जानकारी या हम उसका ज्ञान होना, ज्ञान शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदान व्यवसाय को अपनाया, वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? तो हम बताएंगे कि मियां नसीरुद्दीन जो है उसके पिता और उसके भी पिता यानी दादा के जमाने से वो नान भाइयों का काम करते आ रहे हैं। आज के जमाने में ऐसे बहुत ही कम लोग मिलते हैं क्योंकि हर व्यक्ति बहुत जल्दी पैसा कमाकर अमीर बन जाना चाहता है। छोटे से व्यवसाय को आगे बढ़ाना आज के लोग अपना, जैसे उनकी इज्जत कम होती है ये सोचते हैं, या फिर लोग क्या कहेंगे कि उसी घिसी पिटी व्यवसाय को, उसी कार्य को आगे खींचते जा रहे हैं। ऐसा न करके लोग बाग आज के समय में दूसरे अपने कोई कार्य करने लग जाते हैं, लेकिन मियां नसीरुद्दीन ने अपने पुरखों का जो व्यवसाय था उसको आगे बढ़ाया, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। मियां कहीं अखबार नवीज तो नहीं है? यह तो खोजियों की खुरापात है, अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी कीजिए। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देखो, मियां कहीं अखबार नवीज तो नहीं है, यह तो खोजियों की खुरापात है, अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी कीजिए। हम यहाँ पर दो तरह से टिप्पणी कर सकते हैं इस प्रश्न में, एक तो क्या कि कहीं अखबार नवीज तो नहीं है, यह तो खोजियों की खुरापात है, यानी लेखिका जब मियां नसीरुद्दीन के पास पहली बार गई और उनसे पूछने लगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इतना आटा क्यों गूंदा जा रहा है, आप क्या कार्य करते हो,
तो जिस प्रकार से उन्होंने सवाल पूछे थे उससे मियाँ नसीरुद्दीन को ये लगा था कि अखबार का कोई व्यक्ति है, अखबार से संबंधित कोई है जो हमारे से जानकारी ले रही है और अपने उल्टी सीधी बातों को अखबारों में छापेंगे। तो इससे ये बात सामने आती है कि एक तो ये कि अखबार वाले बिना बात किसी भी बात का बतंगड़ बनाकर उस पे कुछ मिर्च मसाला लगाकर बढ़ा चढ़ाकर बात को छाप देते हैं, एक तो ये, इसलिए अखबार की भूमिका यहाँ पर संशय में संदेह में आई। इसलिए मियाँ नसीरुद्दीन अपनी बात बताने से पहले उन्होंने लेखिका से ये बात साफ साफ पूछ ली। और दूसरे भूमिका ये हो सकती है अखबार की कि नहीं, अखबार के माध्यम से हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें बातें नहीं भी पता है हम वो भी अखबार के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अखबार के माध्यम से हम अच्छाई और उसकी बुराई दोनों तरह से उसके बारे में हम बताएंगे यहाँ पर। तो ये तो थे हमारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर और आसपास के सभी प्रश्न उत्तर। इसके साथ साथ जो पहला एक बीच में प्रश्न आया था मियाँ नसीरुद्दीन की विशेषताएं, वो उसके चरित्र के रूप में भी आ सकता है, तो ये भी हम बताएंगे। और अगर इसका पाठ का उद्देश्य आ जाता है तो कृष्णा सोबती जो लेखिका है वो इस मियाँ नसीरुद्दीन पाठ के माध्यम से, इस पाठ का उद्देश्य अगर आ जाता है तो हम यही बताएंगे कि इस मियाँ नसीरुद्दीन के माध्यम से व्यक्ति किस प्रकार से अपने खानदानी व्यवसाय को आगे बढ़ाता है और वो किस प्रकार से अपने इस कार्य में बड़ी ही लगन से दिलचस्पी लेते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ा रहा है, वो इस पाठ में दिखाया गया है। और मियाँ नसीरुद्दीन की और उसके दादा की समय तक की पुरानी बातों को भी हम लिखकर इस प्रश्न में जोड़ सकते हैं। तो ये थे हमारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर, जो आज ही हमारा दूसरा पाठ पूरा हो गया है। तो आज का तुम्हारा कार्य है कि एक तो ये अभ्यास के प्रश्न उत्तर तुमने अपनी कॉपी में लिखने हैं, ठीक है? और ऑप्शन वाले जिस बच्चे ने नहीं लिखे हैं वो भी साथ के साथ कर लेंगे। ऑप्शन वाले प्रश्न उत्तर एक दिन पहले हो चुके हैं। तो आज का हमारा काम, हमारे अब हमारे आरओ किताब के दो पाठ हो चुके हैं। हर बच्चा अपनी कॉपी पूरी करेगा और किसी भी प्लस वन क्लास के किसी भी बच्चे ने अपनी कॉपी की फोटो मेरे व्हाट्सएप पे नीक भेजी है तो आप जरूर अपनी फोटो मेरे पास भेजेंगे अपना काम करने के पश्चात। थैंक यू बच्चों।